मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ठाणे से सटे भिवंडी में राजीव गांधी उड़ान पुल पर मोटरसाइकिल से जा रहे युवक की पतंग के माझे से चपेट में आने की वजह से उसकी गर्दन कट गई। मोटरसाइकिल से वह नीचे गिर गया और ज्यादा खून बहने की वजह से घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक का नाम संजय कबीर हजारे बताया जा रहा है। पतंग उड़ाने के लिए मांझे पर सरकार ने बैन लगाई है, उसके बावजूद भी शहर में मांझे से पतंग उड़ाने के लिए खुलेआम ये मांझे बेचे जा रहे हैं और मांझे की वजह से इस युवक की मौत हो गई है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? हालांकि यह कोई पहली घटना नहीं है, दो दिन पहले ही कई लोग इसका शिकार हुए थे। कल केसरवानी नामक युवक अपने मोटरसाइकिल से इसी उड़ान पुल से जा रहा था और उसके गर्दन में भी पतंग के मांझे फंस गए थे, लेकिन गाड़ी धीमी रफ्तार में होने की वजह से ज़्यादा जख्म नहीं हुआ, लेकिन उसके गर्दन पर जख्मों के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ऐसे मांझों की वजह से परिंदे भी जख्मी हो रहे हैं और इसके लिए सरकार ने मांझे पर बैन लगा दिया था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इंसान भी इसी तरह से मांझे के चपेट में आकर जख्मी हो रहे हैं और मौत भी हो रही है और इसलिए इस पे कड़े कानून की ज़रूरत है। पतंग मांझे से घायल हुए केशरवानी ने क्या कुछ बताया है आपको सुना दें। देखिए, कल मैं यहाँ से निकला था, यहाँ से कारखाने से घर जा रहा था, तो 4 बजे के आसपास अचानक बीच में एक धागा था और आके यहाँ मेरे लग गया और यहाँ पर देखिए पूरा निशान आ गया। ये कल ऐसा हो गया था कि मैं गिरने ही वाला था, पूरा गाड़ी मेरा डिसबैलेंस हो गया था, गाड़ी स्लो थी इसलिए बच गया, वरना ये पूरा कट जाता था। इधर आप कहाँ रहते थे? मैं यहाँ मंगल मूर्ति टेमगर में रहता हूँ जी। आपका नाम? मेरा नाम ऋषि केशरवानी।